हाय गाइस, हार्दिक पाटिल दिस साइड फ्रॉम इन्वेस्टर माइंड। सो बेसिकली मैंने मॉर्निंग में डाला था कि व्हाट आई फील इज दैट एवरीवन इज इन पैनिक एंड दे विल सेल देयर होल्डिंग बिफोर 12 एंड आफ्टर 12 मार्केट विल गो अप। ओके, सो पहले समझते हैं कि इसका रीजन क्या था, मैंने ऐसा क्यों लिखा। तो अगर आप जाओगे सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड अगर मैं इसको 15 मिनट पर ओपन करूँ तो आप मेरा मैसेज देखो तो ये आया था 10:26 AM पर, यानी कि सुबह जब मार्केट इधर थी बेसिकली इस कैंडल पर, कि मेरे को लगता है कि 12 बजे के बाद एक रिवर्सल आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखो, जब मार्केट 35,000 के लेवल को ब्रेक कर चुकी थी, यानी कि मार्केट 34,900 पे थी, मैंने आगे सब डाला था एंड उसके बाद वो 34,800 पर भी गई थी। उस टाइम मैंने क्या ऑब्जर्व करा, जब मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खोली थी तो वहां पर मैंने देखा कि मार्केट नीचे जा रही है, तब भी 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट की साइड पोजिशन अभी भी बिल्डअप हो रही है। ओके, एंड पुट पर पोजीशन बंदा क्यों बिल्डअप करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ तब करेगा जब उसको लगता है कि यहां से मार्केट रिवर्सल लेगा। तो ये था लॉजिक कि मैंने ये चीज क्यों डाली। ओके, एंड इसको देखते हुए एक ट्रेड लिया था छोटा सा एंड जैसा कि आप देखो यहां पर मार्केट रिवर्सल लिया। ओके ओके, प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं कि हम कल क्या ट्रेड मार्केट में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब अगर आप देखो तो आज सुबह मार्केट नीचे आया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया, तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कल का दिन भी ऐसा ही साइडवेज चला जाएगा। अगर मार्केट 30 मतलब बेसिकली अगर मार्केट आज की रेंज के अंदर खुलता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कल का दिन भी साइडवेज चला जाएगा। एंड अगर मैं निफ्टी ओपन करूँ तो निफ्टी में ज्यादा वॉलेटाइल था एंड निफ्टी में प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी से थोड़ी ज्यादा है कि कल का दिन साइडवेज चला जाएगा। अब हम एग्रेसिवली बाइंग तो कर सकते हैं। अगर मार्केट 16,600 के ऊपर चला जाता है तो आप बाइंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम मेरे अकॉर्डिंग सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, बट अगर मार्केट खुल जाता है गैप अप तो जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उनमें एक पैनिक सिनेरियो हो जाएगा और उसको लेके एक शॉर्ट कवरिंग के कारण मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इस चीज को हम ऑप्शन चेन से कंफर्म करते हैं। पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। अगर आप देखो तो आज 35,000 के स्ट्राइक प्राइस पर आज भी 27,000 पोजीशंस बिल्डअप हुई है एंड यहीं पर 35,200 के स्ट्राइक प्राइस पर 21,000 पोजीशंस बिल्डअप हुई है, जिसका क्या मतलब है कि बेसिकली पुट राइटर आज भी स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू द कॉल राइटर्स, विच इज शोइंग कि द बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन इज बुलिश फॉर द कमिंग डे। ओके, अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे जाएं तो ऊपर लेकिन काफी रेजिस्टेंसेज है। ओके, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम साइडवेज ही ट्रेड करें और अगर आपको डाउन साइड पर ट्रेड करना है तो आज के लो ब्रेक होने पर आप एक पोजीशन बना सकते हो। और यही अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन खोलूं तो अगर आप यहां पर देखोगे तो निफ्टी पर थोड़ा स्ट्रेन भी है, 16,500 पर ही कॉल साइड पर भी बहुत सारी पोजीशन बिल्डअप हुई है एंड पुट साइड पर भी बहुत सारी पोजीशन बिल्डअप हुई है, विच इज क्लियरली शोइंग कि बैंक की निफ्टी विल बी साइडवेज आज के दिन एंड आज ऐसा ही हुआ। अब कल के दिन भी अगर एक ही लेवल पर बहुत सारी पोजीशन बिल्डअप है, जिसका मतलब है कि कॉल राइटर्स भी एक्टिव है एंड पुट राइटर्स भी एक्टिव है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन बेसिकली जीतेगा। अभी आप इसकी ऑप्शन चेन देखकर कुछ नहीं निकाल सकते, बट निकालना ही है तो आप देखोगे तो कॉल साइड पर 16,500 पर भी 1,15,000 पोजीशन बिल्डअप है और 16,600 पर भी 1,00,000 पोजीशन बिल्डअप है एंड 16,700 पर भी 1,00,000 पोजीशन बिल्डअप है, विच इज शोइंग कि निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वीक है ऑप्शन चेन में। ओके, एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, इसलिए जब ऐसा होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक साइडवेज पोजीशन बनाऊ। जब एक क्लियर मेरा वो नहीं होता ना व्यू, एकदम क्लियर बुलिश व्यू या क्लियर बेरिश व्यू नहीं होता तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साइडवेज पोजीशन ही बनाऊ, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम मार्केट रिमेन साइडवेज। अब हम बात करते हैं एक स्टॉक की। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। अगर मैं इसका 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करूँ तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है ये स्टॉक काफी वीक है। क्यों? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया एंड फिर से नीचे जा रहा है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर इज वेरी वीक। अब इसमें हम देखें तो हम एक इंट्राडे में कल अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पर खोलो और आप देखो तो यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, राइट, एंड एक ट्राइंगल टाइप पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर। मैं पैटर्न पर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ बट कुछ लोग ट्रेड करते हैं तो उनके लिए मैंने ड्रॉ करा है। और बेसिकली पैटर्न का मतलब तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। ओके, बट मैं बाय के फेवर में नहीं हूँ, मैं सिर्फ सेल करूंगा अगर ये आज के लो को ब्रेक कर देता है कल स्टार्टिंग के 5 मिनट में एंड यस ऑब्वियसली विद अ गुड वॉल्यूम।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस की. वो एक मिनट का टॉपिक है बट ये आपके लिटरली इट कैन सेव लैक ऑफ योर रुपीज. अगर आप ओरो फार्मा का चार्ट खोलो, इसको वन डे के टाइम फ्रेम पर देखो, सपोज करो यहां पर ये स्टॉक बढ़िया जा रहा था एंड इधर ये इसका ब्रेकआउट. ओके, अब ये ब्रेकआउट हुआ तो आपने मन में सोचा कि आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे. आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस बेसिकली मान लो आपने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया, उसके वजह से स्टॉक ऊपर चला गया. आपको बहुत बुरा लगा कि यार मैंने क्यों लॉस बुक कर लिया, मैंने क्यों लॉस बुक कर लिया. ठीक है, तो आपने लेट से फिर से बाय करा. उसके बाद जबकि फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ इधर, आपने सोचा कि भाई पिछली बार भी तो ऊपर चला गया था, मैं इस बार अपना लॉस बुक नहीं करूंगा. एंड मान लो कि आपने अपना लॉस बुक नहीं करा तो देखो आप इस टाइम किस पोजिशन में होते. लिटरली आपका तो मार्केट से विश्वास ही उठ गया होता कि मार्केट में पैसा नहीं होता. ओके, तो स्टॉप लॉस फॉलो करो, स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करो, स्टॉप लॉस को फॉलो करो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो चाहे आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो. स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वॉन्ट टू वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियोज एवरी डे.